स्टूडेंट्स, आज हम एचसीएफ पढ़ेंगे। एचसीएफ मैंने आपको पहले ही बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एनी टू गिवन नंबर्स इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। कोई भी दो बड़े नंबर्स जिनको हम डिवाइड करते हैं तो जो हमें नंबर मिलता है वो उन दोनों नंबर्स का क्या होता है? एचसीएफ होता है। मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। एचसीएफ को फाइंड आउट करने के अलग अलग मेथड होते हैं। नंबर वन, शॉर्ट डिवीजन मेथड, यानी कि शॉर्टली जिसको हम फाइंड आउट करते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड। सेकंड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हम अलग अलग करके फैक्टर्स निकालते हैं, उसके बाद से हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। और लास्ट में आता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें हम डिवाइड करके निकालते हैं। तो आइए देखते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड में मैं आपको बताती हूँ कि एचसीएफ ऑफ 28 एंड 42 का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का ये ध्यान रखना है आपको कि शॉर्ट डिवीजन मेथड में दोनों का कंबाइंड निकालते हैं, 28 और 42। उस डिजिट से, उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो दोनों से डिवाइड होता हो। 2 1s are 2, 2 4s are 8, यानी कि 14 2s are 28, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 21, 21 2s are 42। अब 14 और 21 दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं। 17 2s are 7, 2s are 14, 7 3s are 21। अब देखिए ये आगे किसी से भी दोनों कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो एचसीएफ ऑफ 28 एंड 42 इज 14। कैसे आया? 2 एंड 7, 2 7 जब 14। तो ये था हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड में हमें दोनों को एक साथ लेके जो भी कॉमन नंबर है उससे डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक कॉमन नंबर आ रहा है। जैसे लास्ट में यहाँ पे 2 आ गया, अब 3 आ गया, तो अब 2 और 3 दोनों खुद के टेबल में आते हैं, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो उसको यहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम इसी डिजिट को लेकर चलेंगे, 28 एंड 42, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, दोनों के अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 2 को क्या, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 14। अगेन 2 से 2 7s are 14, 7 1s are 7। तब तक हमें इसको डिवाइड फैक्टर निकालने हैं जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाता। नेक्स्ट है 42, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3, 3 7s are 21, एंड इन द लास्ट 7 1s are 7। ये हमने क्या किया, दोनों के अलग अलग फैक्टर निकाले। अब देखिए 28 का फैक्टर क्या क्या आ गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। 42 के फैक्टर क्या क्या आ गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, देखिए 2 7। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 14। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28 एंड 42 क्या आ गया हमारे पास, 14। लास्ट है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें हम डिवाइड करेंगे, एचसीएफ वही रहेगा 28 एंड 42। डिवाइड कर लीजिए इसको, 28 1s are 28, 4 1 14। अब ये हमारा अंदर, 14 2s are 28, यहां से आपका एचसीएफ कितना आ गया, 14, जो लास्ट हमारा डिवाइजर अब आ गया 14। तो आप चाहे किसी भी मेथड से निकाल लीजिए एचसीएफ, देखिए तीनों भी हमारा आंसर, यहां भी 14 आया, यहां भी 14 आया और यहां भी 14 आया, बस मेथड अलग अलग है। शॉर्ट डिवीजन में दोनों को एक साथ लेके फैक्टर निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड में, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में दोनों के अलग अलग, 2 दिए हुए या 2, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई
निकाल के फिर जो तीनों में कॉमन होगा उसको यहाँ लिख लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा एचसीएफ इसका आ गया 14। और डिवाइड वाले में आपको पता ही है कि आप डिवाइड करते हो तो सबसे पहले जो छोटी डिजिट होती है वो बाहर और जो हमारा डिवाइडेंट होता है जो बड़ी वाली डिजिट होती है उसको बना लेते हैं डिवाइडेंट। तो आपने डिवाइड किया, यहाँ आ गया हमारा एचसीएफ 14। तो ये था हमारा एचसीएफ का टॉपिक। नेक्स्ट में हम करेंगे एलसीएम।